हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। और उम्मीद है कि आप सब लोगों का समय बिल्कुल शुभ होगा। और यहाँ पर हम लोग तैयारी करा रहे हैं SBI क्लर्क मेंस के लिए। और अब देख रहे हैं कि तमाम सारी जो है यहाँ पर प्रिपरेशंस आपको कराई जा रही है इस चैनल के माध्यम से, जिसमें इस समय जो प्रेजेंट टाइम में आपका चल रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर SBI क्लर्क मेंस है 2019 का, जो कि बहुत ही जल्दी होने वाला है। सो दोस्तों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करंट अफेयर्स का सेशन का रहेगा। अगर जनरल अवेयरनेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो करंट अफेयर्स का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये 5 बजे आपका ये सेशन यहाँ पर डेली आएगा, ठीक है। 5 बजे आपका ये सेशन आपका यहाँ पर सुबह डेली रहेगा, ठीक, करंट अफेयर्स का। और साथ ही साथ आपको अगर आप देखेंगे इस चैनल को तो आपको लगातार पता चलेगा कि शाम के समय में, शाम को 7 बजे करंट अफेयर्स जैसे सुबह आ रहा है, वैसे ही शाम को जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस कह सकते हैं, वी कैन से बैंकिंग अवेयरनेस, वो शाम को 7 बजे आएगा आपके लिए, ठीक है। तो आप शाम को 7 बजे बैंकिंग अवेयरनेस ना देखना भूलें। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की भी क्लासेज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं SBI के लिए, वो स्पेशली हैं। मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों भी लगातार चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, करंट अफेयर्स जुलाई 2019 पार्ट 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके SBI के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों, अभी अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो सेशन का या दूसरे स्टडी मटेरियल का PDF वगैरह चाहते हैं या दूसरे स्टडी मटेरियल्स चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हमें सर्च करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आसानी से हमें सर्च कर सकते हैं सिलेक्शन मेंटोर लिख करके, और आप वहाँ से हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप पे जोड़ने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज छोड़ना होगा, तो 9121815869, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, कर्नाटका बैंक लिमिटेड MD एंड CEO MS महाबलेश्वरा हैज़ लॉन्च द वेब टूल टू डिजिटलाइज द NPA रिकवरी प्रोसेस ऑफ द बैंक। तो ये बैंक का नाम आपको बताना है, दैट इज ये जो बैंक जो है उसने कौन सा टूल यहाँ पे लॉन्च किया, वो टूल आपको बताना है। तो टूल है वसूल सोफेट, ठीक है। तो वसूल सोफेट जो है, ये वसूल सोफेट कह सकते हैं, वसूल सोफेट कह सकते हैं, ये कर्नाटका बैंक लिमिटेड द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या है ये? द टूल विल एनेबल ईजी एंड फास्टर प्रोसेसिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड इमीडिएट डिस्कशन मेकिंग इन द रिकवरी एरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये विशेष प्रकार का टूल है, दैट इज प्रोवाइडेड द फैसिलिटी टू एनेबल ईजी एंड फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ रियल टाइम इन्फॉर्मेशन एंड इमीडिएट डिसीजन मेकिंग इन द रिकवरी एरिया, ठीक है। बाकी देखिए, इस सेशन में जितनी भी चीज़ें हैं इसमें कोशिश करेंगे कि हम सारे बेसिकली हम आपको क्वेश्चन उसके आंसर्स बताएं, और क्वेश्चंस के नीचे, ज़्यादातर क्वेश्चंस के नीचे उनके एक्सप्लेनेशन लिखें, तो आप उन एक्सप्लेनेशंस को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको रोक करके पढ़ सकते हैं। इनको भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। जो चीज़ें करंट अफेयर्स हम बता रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएँ, बट दीज आर वेरी हेल्पफुल अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ इसके एक्सप्लेनेशन को भी अंडरलाइन करके पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का, ठीक है। आपको अपनी मेहनत भी करते रहना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, हु सेट अप द सेंट्रलाइज MSME एंड रिटेल ग्रुप, या इसको शॉर्ट में अगर हम देखें, MSME एंड रिटेल ग्रुप को अगर हम एब्रिविएट करेंगे तो CEN फॉर सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा है ना CEN, तो CEN का मतलब हो गया सेंट्रलाइज, एंड M फॉर MSME, A फॉर एंड, R फॉर रिटेल एंड G फॉर ग्रुप, तो दैट इज सेन मार्ग। तो सेंट्रलाइज्ड MSME रिटेल ग्रुप को सेनमार्क कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, हु हैज सेट अप द सेनमार्क फॉर क्रेडिट फैसिलिटी एज इट्स हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली। तो किसने सेटअप किया है यहाँ पर, इसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों, इसका आंसर है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने MSME एंड रिटेल ग्रुप सेनमार्क जो है वो कह सकते हैं सेटअप किया है, इसको जारी किया है। किस लिए जारी किया है? फॉर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इट्स एट इट्स हेड ऑफिस। तो यहाँ पर एक इसके जो बाई क्वेश्चन जो है वो नीचे दिए हुए हैं, आप इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द सेन मार्ग वुड बी लिंक्ड विथ पैन इंडिया ब्रांचेस इन पॉज्ड मैनर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI डिसाइडेड नॉट टू इम्पोज एनी चार्जेस ऑन फंड ट्रांसफर थ्रू सिस्टम। तो किस सिस्टम की बात करी जा रही है यहाँ पर, कि RBI जो है ने डिसाइड किया है नॉट टू इम्पोज एनी चार्जेस ऑन फंड ट्रांसफर। किस सिस्टम की बात करी जा रही है यहाँ पर, दैट इज RTGS एंड NEFT। तो RTGS और NEFT पर ये RBI ने डिसाइड किया है कि अभी
फिलहाल कोई चार्जेस इम्पोज ना किए जाएं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है आरटीजीएस और एनईएफटी, और आप लोग यहाँ पर आरटीजीएस और एनईएफटी का फुल फॉर्म यहाँ पर मुझे लिख करके देंगे। पहले आरटीजीएस का लिखिए और फिर एनईएफटी का फुल फॉर्म लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसी में देखिए कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? आरबीआई हैज़ ऑल्सो आस्ड बैंक्स टू पास ऑन द बेनिफिट्स टू कस्टमर्स फ्रॉम दीज सेम डेज फ्रॉम 3 सेम डेज। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे हम लोग लेकर के। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाई गवर्नमेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं, कलेक्शन नैरोली मिस्ड क्रॉसिंग द रुपीज इन जून 2019। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कलेक्शन हाल ही में कितने रुपए से चूक गए, कलेक्शन मतलब होने से कितना रुपए का कलेक्शन होने से चूक गए नियरली, उसकी लिमिट यहाँ पर एक बताई जा रही है, दैट इज़ 1 लाख करोड़। तो हाल ही में आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार जीएसटी कलेक्शन जो है वो 1 लाख रुपए 1 लाख करोड़ रुपए होने से हाल ही में जून में चूक हुई है। तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये जीएसटी कलेक्शन हुआ है, मतलब थोड़ा और हो जाता तो 1 लाख करोड़ का भी कलेक्शन कहा जा सकता था इसको। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस से देखिए जो कलेक्शन हैं वो दिख रहे हैं आपको। लिखा है टोटल ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन जून 19 इज 99,939 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़रा सा शॉर्ट रह गया 1 लाख करोड़ होने में। सी जी एस टी की बात करी जाए तो यानी सेंट्रल जी एस टी का कलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है 18,366 करोड़। स्टेट जी एस टी का कलेक्शन अगर देखा जाए 25,343 करोड़। एंड आई जी एस टी की बात करते हैं, आई जी एस टी जो है इंटर स्टेट जो जी एस टी हमारी, उसकी अगर हम बात करें तो 47,772 करोड़ ये आपका आई जी एस टी है। इसके अलावा सेस की बात करें तो 8,457 करोड़ रुपीज़ यहाँ सेस से हमको मिले हैं। तो वही लिखा था टोटल नंबर ऑफ जी एस टी आर 3B रिटर्न्स फाइल्ड फॉर द मंथ ऑफ मे अप टू 30 जून ₹38 लाख। तो आप सबसे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पर लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइज करिएगा फिर से एक बार अंडरलाइन करके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स टू रिव्यू रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी फ्रेमवर्क फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप ऑफ 6 मेंबर रिव्यू रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी कंपनी फॉर द कोर इन्वेस्ट कंपनीज। तो इस कौन सी है ये, इनके लिए कौन मतलब यहाँ पर अपॉइंट किए गए, दैट इज तपन राय। तो तपन राय 6 मेंबर में अगर देखा जाए, मिस्टर तपन राय इज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो तपन राय जी हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये 6 मेंबर का ग्रुप जो बनाया गया है रिव्यू करने के लिए उसके ये हेड हैं। अगला क्वेश्चन है द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ प्रेजेंटेड द मेडियन यूनियन बजट 2019-20 लोकसभा। तो उन फाइनेंस मिनिस्टर जी का नाम आपको बताना है जिन्होंने अभी हाल ही में बजट प्रस्तुत किया 2019-20 का लोकसभा में, ये तो बहुत ही ईजिली आप बता सकते हैं, और इनका नाम है मिस निर्मला सीतारमण। तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो है इसको प्रस्तुत किया है, और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है दिस इज़ द फर्स्ट बजट ऑन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन द सेकंड टेन्योर। इनके दूसरे नरेंद्र मोदी जी के दूसरे टेन्योर का पहला बजट है ये। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है निर्मला सीतारमण जी जो है वो पहली फुल टाइम फीमेल या कह सकते हैं लेडी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी पार्शली कह सकते हैं या पार्ट टाइम जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थी, फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी। अगला क्वेश्चन है बेटा एयरटेल पेमेंट बैंक्स टू सेल स्ट्रीम इंश्योरेंस ऑफ। तो सेल इट्स टर्म इंश्योरेंस, अपना टर्म इंश्योरेंस जो है वो एयरटेल बैंक जो है वो बेच रहा है किसकी सहायता से, भारतीय एक्सा लाइफ। तो एयरटेल बैंक, एयरटेल जो पेमेंट बैंक है वो अपना टर्म इंश्योरेंस जो है वो किसके साथ बेच रहा है, वो बेच रहा है भारतीय एक्सा लाइफ के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल गया भारतीय एक्सा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नीचे लिखे हुए हैं। लिखा हुआ एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस टू ऑफर द भारतीय एक्सा लाइफ POS सरल जीवन बीमा योजना थ्रू इट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क टू बैंकिंग पॉइंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पर ध्यान रखना है सरल बीमा योजना के बारे में एक छोटा सा पॉइंट लिखा है। सरल बीमा योजना इज अ प्योर लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान विच इज एम टू एट अंडर इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड सेगमेंट इन इंडिया। तो ये आपको योजना का नाम ध्यान रखना है, सरल जीवन बीमा योजना, ठीक है। सो दोस्तों ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इन क्वेश्चंस का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है आपको। लिखा है तेलुगु स्टोरी राइटर पास्ड अवे इन कोंडापुर हैदराबाद। हाल में तेलुगु स्टोरी राइटर हैं, उनका देहांत हुआ है कोंडापुर में, तो वो कौन है, हैदराबाद में किनका डेथ हुआ है, तेलुगु स्टोरी राइटर जो है उनका नाम है अबूरी छाया देवी। ठीक है, तो अबूरी छाया देवी इनका जो है, अबूरी छाया देवी इनका जो है, ये तेलुगु स्टोरी राइटर हैं, अभी हाल ही में इनका डेथ हुआ है। तो इनके कुछ पॉपुलर स्टोरीज यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको आराम से अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करते चलिए, और जो मैं क्वेश्चंस आपको बीच बीच में पूछ रहा हूँ आप उसका आंसर्स भी देते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलयालम डायरेक्टर पास्ड अवे एट थ्रिसुरूर केरला। तो हाल ही में केरला के थ्रिसुरूर में किस मलयालम डायरेक्टर की डेथ हुई है, उनका आपको नाम बताना है। तो वो मलयालम डायरेक्टर हैं, उनका नाम है बाबू नारायण। तो बाबू नारायण जी का हाल ही में इंतकाल हुआ है थ्रिसुरूर केरला में, और ये बहुत ही फेमस मलयालम डायरेक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, द एनुअल अमरनाथ यात्रा 46 डेट पिलग्रिम है, ये पिलग्रिमेज है, तीर्थ यात्रा है 46 दिन की। तो ये पूछा गया था, एनुअल अमरनाथ यात्रा वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम बोथ बाथल एंड पालागाम पहलगाम। ठीक है, बाथल एंड पहलगाम रूट्स इन, तो ये बाथल एंड पहलगाम रूट जो है वो कहाँ पर है, ये पूछा जा रहा है अमरनाथ यात्रा में, जिनको अभी हाल ही में ओपन किया गया, फ्लैग किया गया, दैट इज जम्मू कश्मीर। तो लिखा है द एनुअल अमरनाथ यात्रा वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम बोथ बालथल एंड पहलगाम रूट्स इन जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, गवर्नर सत्यपाल मलिक। तो गवर्नर सत्यपाल मलिक कहाँ के गवर्नर हैं, जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, ये आपको ध्यान रखना। और साथ ही साथ ये चेयरमैन है किससे, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के। तो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन है, ये गवर्नर भी हैं सत्यपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर के, वो उस इन्हीं के बारे में लिखा है, अटेंडेड ट्रेडिशनल प्रथम पूजा एट द केव सेट श्राइन। ठीक है, तो इन्होंने ट्रेडिशनल जो प्रथम पूजा होती है वो इन्होंने अटेंड करी थी। अगला क्वेश्चन है बेटा, नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन। भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 1 जुलाई, 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द, यानी आपको डेट बतानी है कौन से दिन को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाते हैं। तो कोऑपरेटिव्स डे मनाते हैं हम लोग 1st सैटरडे ऑफ जुलाई, तो जुलाई का पहला सैटरडे जो होता है उस दिन हम लोग मनाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा इस बार जुलाई का जो 1st सैटरडे था वो 6th को था, तो इसका मतलब ये इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव जो है वो 6th को मनाया गया। तो इसकी थीम क्या है, थीम है कॉप्स फॉर डिसेंट वर्क। ठीक है, तो इसकी थीम है कॉप्स फॉर डिसेंट वर्क। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज बीन अपॉइंटेड एज द एंट्रीम चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड BSNL। तो हाल ही में BSNL का किसे जो है डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, हालांकि इनको 3 मंथ के लिए ही नियुक्त किया गया था, तो उनका नाम आपको बताना है, नाम है उनका प्रवीण कुमार पुरवार। तो प्रवीण कुमार पुरवार जी जो हैं, इन्होंने अनुपमा श्रीवास्तव जी के रिटायर होने के बाद में ये पदभार संभाला है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, BSNL इज द 4th लार्जेस्ट मोबाइल टेलीफोनी प्रोवाइडर इन इंडिया। तो भारत में 4th सबसे बड़ा टेलीफोनी प्रोवाइडर है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वी कैन से भेल। तो हाल ही में आपको बताना है भेल का CMD किसको नियुक्त किया गया है। तो भेल का CMD किसको नियुक्त किया गया, फटाफट से बताइए, चलिए उत्तर दीजिए इसका, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। फटाफट से आप लोग आंसर करिए इसका, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका, कि भेल जो है उसके CMD किसको नियुक्त किया गया। दोस्तों भेल के CMD नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर नलिन सिंघल। ठीक है, तो डॉक्टर नलिन सिंघल जी को भेल का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर लिखा है, भेल इज़ इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो सबसे बड़े जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स होते हैं उनको यहाँ पे बनाने का काम भेल का होता है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज टेकन ओवर द चार्ज एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। तो IOB यानी इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का पदभार हाल ही में किसने संभाला है। तो ये हैं करनाम शेखर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इनका नाम ध्यान रखना है, करनाम शेखर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड, ठीक है, हाल ही में किसको रीअपॉइंट किया गया है डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में डिप्टी गवर्नर के रूप में रीअपॉइंट किया गया है
एनएस विश्वनाथन जी को, किसको अपॉइंट किया गया, एनएस विश्वनाथन। तो यहाँ पे लिखा है द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हैज़ अप्रूव द एक्सटेंशन ऑफ विश्वनाथन टर्म एज आरबीआई डिप्टी गवर्नर बाय 1 ईयर फ्रॉम 4 जुलाई 2019। तो 4 जुलाई 2019 से इनका टर्म 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, श्री एनएस विश्वनाथन जी का। और आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में एक डिप्टी गवर्नर जिन्होंने जिन्होंने रिज़ाइन किया है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम भी आप लोगों को यहाँ पर बताना है और याद भी रखना है, ठीक है। फटाफट बताइए उनका नाम क्या है जिन्होंने रिज़ाइन किया है। तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट विल सर्व एज एंट्रिम लीडर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो उस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट का नाम बताना है आपको जिन्होंने सर्व किया है, जो कह सकते हैं अपॉइंट हुए हैं एज ए एंट्रिम गवर्नर ऑफ एंटर्न लीडर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एंटर्न लीडर को के रूप में किसको जो है अपॉइंट किया गया, तो ये अपॉइंट किया गया है डेविड लिप्टन को। तो डेविड लिप्टन को अपॉइंट किया गया है एंटर्न लीडर ऑफ मॉनेटरी फंड, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह सकते हैं इसको, ठीक है। ही विल रिप्लेस, लिखा हुआ है यहाँ पे एक पॉइंट, ही विल रिप्लेस क्रिस्टियन लिगार्डे, ठीक है। तो क्रिस्टियानो लिगार्डे इनको हाल ही में ये रिप्लेस कर रहे हैं। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्योंकि क्रिस्टियानो लिगार्डे हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट वुमेन हु हैड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक हु टू हेड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो आपको ध्यान रखना है इनको यूरोपियन सेंट्रल बैंक का क्या बनाया जा रहा है, हेड बनाया जा रहा है। क्रिस्टियन लिगार्डे हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट वुमेन टू हेड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो ये रिप्लेस कर रही जा रही, मतलब इन्हीं का खाली हो रहा है स्थान, तो उसको जो है अपॉइंट किसकी जगह पर किया गया है, उनकी जगह पर किसको अपॉइंट किया गया, डेविड लिप्टन जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। तो MFIN, इसको शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क जो है, इसके चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, इसके चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है मनोज कुमार नाम्बियार को, ठीक है। तो मनोज कुमार नाम्बियार जी को अपॉइंट किया गया, यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन अगला है, राहुल गांधी ऑफिशियली रिजाइंड एज, हाल ही में राहुल गांधी जी ने ऑफिशियली किस पद से अपना पद त्याग किया है। तो ये तो आपको मालूम होगा शायद, ये है पद इनका कांग्रेस प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में ये थे और हाल ही में इन्होंने इससे रिजाइन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैज लॉन्च द जल शक्ति अभियान अक्रॉस द कंट्री टू एक्सेलरेट। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में जल शक्ति मिनिस्टर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने जल शक्ति अभियान के रूप में कह सकते हैं कंट्री में किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति अभियान जो है वो किया, मतलब लॉन्च किया है। तो जल शक्ति अभियान किस चीज़ का बढ़ावा करता है, वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो हाल ही में वर्षा जल संरक्षण जो है उसके बारे में बात हो रही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात हो रही है और जल के संरक्षण के बारे में जल शक्ति अभियान जो है वो लॉन्च किया गया है। जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी। अगला क्वेश्चन है, अ बुक टाइटल्ड अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिनिस्ट्री चीफ ए मिलिट्री चीफ हैज बीन रिटन बाय। तो हाल ही में आपको बताना है, ये बुक है, टाइटल है जिसका, प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ, ठीक है। तो ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक लिखी गई है पहले जो नेवल चीफ हुआ करते थे एडमिरल सुशील कुमार, उनके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे लिखा है, फॉर्मर नेवल चीफ सुशील कुमार सर्व्ड विद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी फ्रॉम 1998 to 2001 ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स ऑफ कारगिल वॉर, हाईजेकिंग ऑफ IC-814 एंड ऑपरेशन पराक्रम। तो इसी पर बेसिस ये इनकी किताब है, जो समय के जो प्राइम मिनिस्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनके लिए ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन बेटा, यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी हैज़ लॉन्च द बुक एट द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने कौन सी बुक है जिसको जो है वो लॉन्च किया है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। तो नाम है इसका विस्पर्स ऑफ टाइम। तो इस बुक का नाम क्या है, विस्पर्स ऑफ टाइम। तो लिखा हुआ है, द बुक विस्पर्स ऑफ टाइम ऑथर्ड बाई डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। तो आपको ध्यान रखना है, कृष्णा सक्सेना जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है जिसका नाम है विस्पर्स ऑफ टाइम, और इसका इनॉग्रेशन या कह सकते हैं इस बुक को लॉन्च किया है कि उन्होंने, यूनियन मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, ठीक। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल भी लिखी हुई है, आपको उसको भी पढ़ लेना चाहिए डॉक्टर कृष्णा जी के लिए। अगला क्वेश्चन बेटा, लिखा है, रिलायंस जियो हैज़ लॉन्च अ न्यू डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम। रिलायंस जियो ने हाल ही में नया डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है डिजिटल उड़ान। तो डिजिटल उड़ान क्या है, द जियो डिजिटल उड़ान प्रोग्राम इज बीइंग लॉन्च्ड अक्रॉस 200 लोकेशंस इन 13 स्टेट्स
इन पार्टनरशिप विद फेसबुक। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखने की बात है कि रिलायंस जियो ने किसके साथ पार्टनरशिप करते हुए ये स्कीम लॉन्च करी है, ये लॉन्च करी है फेसबुक के साथ। ठीक, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम UIDAI भी बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप इट्स फर्स्ट एक्सक्लूसिव आधार सेवा केंद्र। इसने अपना पहला आधार सेवा केंद्र जो है वो स्पेशली कहाँ पे शुरू किया है, तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली एंड विजयवाड़ा। न्यू दिल्ली और विजयवाड़ा में इसका UIDAI का फर्स्ट एक्सक्लूसिव आधार सेवा केंद्र खोला गया है। अगला क्वेश्चन बता, द फर्स्ट एवर इंडिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ट्रेड फेयर IICTF टू बी हेल्ड इन। हाल ही में IICTF जो है वो कहाँ पर, मतलब इसका जो ट्रेड फेयर है ये कहाँ पर हुआ, ये हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, अगला है इंडियाज फर्स्ट हाईवे कॉरिडोर्स ऑफ ई व्हीकल एक्सपेक्टेड बाय। तो भारत का पहला हाईवे कॉरिडोर जो ई व्हीकल के लिए, जिसमें जो है रास्ते में चार्जिंग वगैरह की जो व्यवस्था है मतलब पूरी करी जाएगी, तो वो इस तरीके का हाईवे जो है वो कहाँ पर बनाने के एक्सपेक्टेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर एक्सपेक्टेड है, ये कब तक के लिए एक्सपेक्टेड है, दैट इज़ ऑफ मार्च 2020, ठीक है 2020 तक के लिए एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर देखिए रूट भी लिखा हुआ है, इंडिया फर्स्ट हाईवे कॉरिडोर विथ चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एक्सपेक्टेड टू कम अप अलॉन्ग द दिल्ली जयपुर एंड दिल्ली आगरा हाईवे बाई 2020। तो दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे के बीच में इस तरीके का ई व्हीकल हाईवे बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु कन्फर्ड विथ पोस्थमसली नारद सम्मान 2019। तो हाल ही में मरणोपरांत कह सकते हैं कि नारद सम्मान किसको मिला है 2019 का, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अच्युतानंद साहू जी को। तो ये डीडी न्यूज़ के कैमरामैन हुआ करते थे अच्युतानंद जी, इनको जो है हाल ही में नारद सम्मान 2019 का मिला है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा बेस्ड नवरत्न कंपनी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंड इन सोशल डेवलपमेंट। तो आपको बताना है उड़ीसा बेस्ड कौन सी नवरत्न कंपनी है जिसको हाल ही में प्रेसिडेंट अवार्ड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। तो ये उड़ीसा बेस्ड नवरत्न कंपनी का नाम है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, जिसको हम लोग नॉल्को भी कहते हैं। तो नॉल्को हैज स्टार्टेड अली अली जहा, ठीक है नॉल्को ने भी हाल ही में स्टार्ट किया है अली अली जहा न्यू स्कीम ऑन लाइन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जो 2015 से कैंपेन शुरू हुआ था उसको प्रमोट करने के लिए, गर्ल चाइल्ड जो है उनको उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, खासकर जो BPL फैमिलीज़ की हैं उसके लिए ये कदम उठाया है नालको ने, और इसी वजह से इनको जो है प्रेसिडेंट अवार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हु वोन द कोपा कप अमेरिका 2019 टाइटल। हाल ही में कोपा अमेरिका कप 2019 किसने जीता है, तो ये जीता है ब्राज़ील ने, और ब्राज़ील ने डिफीट किया है, हराया है पेरू को 3-1 से, और जीता है फर्स्ट कोपा अमेरिकन टाइटल सिंस 2007। 2007 के बाद इन्होंने पहला कोपा अमेरिकन टाइटल जीता हुआ है, किसको हरा कर, पेरू को हरा कर। किसने जीता है, ब्राज़ील ने। ठीक है, सो दोस्तों ये था आज का जुलाई का करंट अफेयर्स जो आपके SBI के लिए इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है कि आपको सेशन ज़रूर पसंद आया होगा, आप इसमें इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।